हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीबडी। और इस सेशन में आज हम एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन थ्री इंडिया, ऑप्शन फोर पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। 70% जो लैक है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज सिचुएटेड एट? बेंगलोर, मैसूर, मुंबई, कोलकाता। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो आएगा ऑप्शन ए बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ग्राम कट वॉर्म इज एक्टिव ड्यूरिंग? ऑप्शन ए समर, ऑप्शन टू विंटर, थ्री मानसून, फोर्थ स्प्रिंग। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर टू विंटर। तो जो कटवर्म होते हैं वो नवंबर से लेके फरवरी तक एक्टिव रहते हैं, और ये पीरियड किस में आता है? विंटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्राइट येलो कलर ऑफ द लेबल ऑन द इंसेक्टिसाइड कंटेनर इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट इज? ऑप्शन ए एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ऑप्शन टू वेरी टॉक्सिक, ऑप्शन थ्री मॉडरेटली टॉक्सिक, ऑप्शन फोर रिलेटिवली टॉक्सिक। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन टू वेरी टॉक्सिक। जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है उसमें रेड कलर का जो टैग लगवा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेगलेस यंग ऑफ हाउस फ्लाई इज नोन एज? ऑप्शन ए कैटरपिलर, ऑप्शन टू मैगॉट, ऑप्शन थ्री निम्फ, ऑप्शन फोर ग्रब। तो जो लार्वा होता है हाउस फ्लाई का उसे बोलते हैं मैगॉट, ठीक है, और इस ये कैसा होता है? लेगलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनस्टोन्स ऑर्गन इज लोकेटेड इन मोस्ट ऑफ द पैट्रीगोट इंसेक्ट इन? ऑप्शन ए सेकेंड एंटीनल सेगमेंट, ऑप्शन टू लेग्स, ऑप्शन थ्री विंग्स, ऑप्शन फोर मैक्सिला। तो जो जॉनस्टोन ऑर्गन होता है वो एंटीना में प्रेजेंट रहता है, ठीक, और इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंटीनल सेगमेंट। जो हेड होता है, हेड को सिक्स पार्ट में डिवाइड करा जाता है, सिक्स सेगमेंट होते हैं हेड के, जिनमें जैसे जो सेकेंड वाला पार्ट रहता है जिसे हम एंटीनरी सेगमेंट बोलते हैं, उसमें एंटीना प्रेजेंट रहता है। तो यह आएगा हमारा आंसर सेकेंड एंटीनल सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टिपिकल हॉपर बर्न इन राइस इज कॉज्ड बाय फीडिंग ऑफ? ए एफिड, ऑप्शन टू गंडी बग, ऑप्शन थ्री ब्राउन प्लांट हॉपर, ऑप्शन फोर माइट्स। तो जैसे प्लांट हॉपर लिखा हुआ है इसमें हॉपर बन, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स आर माइग्रेटरी इन नेचर? ऑप्शन ए वाइट ग्रब, ऑप्शन टू मीली बग, ऑप्शन थ्री लोकस्ट, ऑप्शन फोर रेड पम्पकिन बीटल। तो हमें पता है लोकस्ट पे इंडिया पे नो लॉकडाउन के टाइम पे अटैक हुआ था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लोकस्ट। लोकस्ट क्या होते हैं? माइग्रेटरी होते हैं, जिन्हें माइग्रेटरी लोकस्ट भी बोलते हैं, डेजर्ट लोकस्ट भी बोलते हैं। तो आप लोकस्ट का जो जूलॉजिकल नेम है वो आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से, द डेंसिटी ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड? ऑप्शन वन GEL, ऑप्शन टू PBL, ऑप्शन थ्री EIL, ऑप्शन फोर ETL। तो IPM का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो हम कब अप्लाई करेंगे इंसेक्टिसाइड को पेस्ट पॉपुलेशन के लिए, वो आएगा हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट हेड इज? ऑप्शन वन टू, ऑप्शन टू फोर, ऑप्शन थ्री सिक्स, ऑप्शन फोर सेवन। तो जैसे कि पहले ही बताया था, तो जो इंसेक्ट हेड में कितने सेगमेंट होते हैं? सिक्स सेगमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्स। जैसे पहला जो पार्ट होता है वो प्री एंटीनरी, दूसरा एंटीनरी सेगमेंट, तीसरा इंटर कैलरी सेगमेंट, चौथा मैंडिबुलर सेगमेंट, पाँचवा फर्स्ट मैक्सिलरी सेगमेंट, और जो सिक्स होता है उसमें हमारा आ जाता है सेकेंड मैक्सिलरी सेगमेंट, जिसे लेबियल सेगमेंट भी होता है, और इनको
दो चीज़ों में डिवाइड करा जाता है, जैसे शुरुआत के तीन जो सेगमेंट होते हैं वो प्रोसेफलॉन में आते हैं और लास्ट के जो तीन बच जाते हैं वो गैनोसेफलॉन में आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। हेड में कितने सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनी इंसेक्ट्स अंडरगो हाइबरनेशन इन रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, डार्कनेस, हाई ह्यूमिडिटी। तो जो हाइबरनेशन पे जाते हैं टेम्परेचर, सॉरी जो इंसेक्ट जो होते हैं हाइबरनेशन पे जाते हैं वो लो टेम्परेचर के कारण जाते हैं, अपने आप को लो टेम्परेचर बचाने के लिए हाइबरनेशन पे चलाते हैं। तो और ये जो हाइबरनेशन हो गया, एस्टिवेशन है, किसका पार्ट है? डाइपोस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्लास इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन वन है एरेक्निड, दूसरा है क्रस्टेशिया, डेप्लोपोडा या ऑप्शन फोर इंसेक्टा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन फोर इंसेक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूनबीन येलो मोजाइक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाइज, सैप, सीड्स या ऑल द अबव। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा वाइट फ्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निधाम इज एसोसिएटेड विद स्टडीज ऑन सीड पैथोलॉजी, एपिडियमोलॉजी, निमाटोड्स, सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो आएगा निमाटोड। ठीक, निजाम जो एसोसिएटेड है वो किससे? निमाटोड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पैथोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली टेक प्लेस इन बीटल्स, फायरफ्लाई, एफिड्स, ऑप्शन फोर सॉफ्लाइज। तो जो पार्थिनोजेनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो याद रखना है आपको किस में होता है? एफिड्स में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मस्टर्ड सॉफ्लाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज सॉ लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इन मस्टर्ड सॉफ्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज सॉ लाइक। ऑप्शन ए मैंडिबल्स, ऑप्शन टू ओबीपॉजिटर, ऑप्शन थ्री विंग्स, ऑप्शन फोर फीमर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो सॉ लाइक होता है वो आ जाएगा ऑप्शन टू ओबीपॉजिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिल्वर शूट्स इन पैडी आर कॉज्ड बाय राइस हिस्पा, प्लांट हॉपर, गॉलमिज, केस वॉर्म। तो इसका सिंपल आंसर है जो सिल्वर शूट्स क्रिएट करता है वो कौन करता है? हमारा गॉलमिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन ए लेपिडोप्टेरा, ऑप्शन टू कोलियोप्टेरा, ऑप्शन थ्री हाइमेनोप्टेरा, ऑप्शन फोर हेमिप्टेरा एंड द राइट आंसर इज कोलियोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बाय अ लार्वा दैट हैज़ नॉट अचीव्ड फिजिकल मैच्योरिटी इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन टू पॉलीएम्ब्रियोनी, ऑप्शन थ्री पीडोजेनेसिस, ऑप्शन फोर विविपैरिटी। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो जाएगा ऑप्शन थ्री पीडोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट। ऑप्शन वन वी बी विगल्सवर्थ, ऑप्शन टू आर एच पेंटर, ऑप्शन थ्री आर एल पैटून, ऑप्शन फोर पॉल डी बैच। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन टू आर एच पेंटर, और इन्होंने बुक भी लिखी थी बुक प्लांट रेसिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन टू लखनऊ, ऑप्शन थ्री न्यू दिल्ली, ऑप्शन फोर कोलकाता। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज इज सिचुएटेड एट। गुड़गांव, न्यू दिल्ली, ऑप्शन थ्री फरीदाबाद, ऑप्शन फोर हिसार। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है हमारे पास फरीदाबाद। और आप कमेंट करके बताएंगे कि अभी
प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NCIPM इज़ लोकेटेड एट, इसके जो फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन टू बेंगलोर, ऑप्शन थ्री न्यू दिल्ली, ऑप्शन फोर फरीदाबाद। तो जो इसका आंसर है वो है हमारे पास न्यू दिल्ली। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेज का जो इंस्टीट्यूट है हमारे पास वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिवर्सल एंटीडोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन ए चारकोल एंड लाइम, ऑप्शन थ्री MgO एंड चारकोल, ऑप्शन थ्री एक्टिवेटेड चारकोल टैनिक एसिड एंड MgO, ऑप्शन फोर है एक्टिवेटेड चारकोल एंड टेल्क। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन थ्री है हमारे पास, एक्टिवेटेड चारकोल एंड टैनिक एसिड MgO। जब भी कोई पॉइजन कंज्यूम करता था तो इसको देते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इन तीनों का कितने कितने रेशो में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेस्ट ऑफ कॉटन, फ्रूट फ्लाई, वाइट फ्लाई, स्टेम फ्लाई, सॉ फ्लाई। तो सिंपल क्वेश्चन है इसका, इसका ऑप्शन नंबर टू हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, वाइट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्री बेंडिंग इज़ यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ, ऑप्शन वन मैंगो हॉपर, ऑप्शन टू बार्क ईटिंग कैटरपिलर, ऑप्शन थ्री मैंगो मीलीबग, ऑप्शन फोर मैंगो स्टेम बोरर। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन थ्री मैंगो मीलीबग, है ना। बेंडिंग कर देते हैं ट्री में, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो स्लिपरी बेंडिंग होते हैं, उनसे इंसेक्ट ऊपर चढ़ ही नहीं पाता ट्री पे, कुछ ऐसे होते हैं स्टिक टाइप के उनमें चिपक जाते हैं इंसेक्ट, तो इसलिए हम बेंडिंग हम यूज़ करते हैं मैंगो मीलीबग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, लाइट ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट इज़ डन इन कल्चरल मैथड, सेकेंड है लीगल मैथड, थर्ड है मैकेनिकल मैथड और फोर्थ है प्रिवेंटिव मैथड। तो हमारे पास जो लाइट ट्रैपिंग है वो किस चीज़ में आ जाएगा? मैकेनिकल मैथड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मैकेनिकल मैथड। तो इसका ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जुवेनाइल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, ऑप्शन ए हमारे पास थोरैसिक ग्लैंड्स, ऑप्शन टू है कॉर्पोरा अलाटा, ऑप्शन थ्री है कॉर्पोरा कार्डियका और ऑप्शन फोर है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है जेएच हार्मोन जो निकलता है हमारा वो निकलता है कॉर्पोरा अलाटा से। तो ऑप्शन टू जो हमारे पास है वो करेक्ट हो जाएगा, कॉर्पोरा अलाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंजोस स्केल इज़ अ पेस्ट ऑफ, ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन टू पेयर, ऑप्शन थ्री मैंगो, ऑप्शन फोर बनाना। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन वन हो जाएगा, एप्पल। तो सेंजोस स्केल किसका पेस्ट है? ये एप्पल का पेस्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी और वीडियोस के लिए आप एग्रीबडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।